हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि आप अगर नए पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हो तो ऐसे में हर एक नया पोल्ट्री फार्मर एक क्वेश्चन उसके मन में डाउटफुल होता है या फिर उसके बारे में जरूर सोचता है या फिर कन्फ्यूज इस सवाल में होता है कि कौन से ब्रिड की मैं फार्मिंग करूँ। या दोस्तों, चाहे फिर मैं ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करूँ, चाहे फिर मैं देसी पोल्ट्री फार्मिंग करूँ। देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता हूँ तो उनमें भी बहुत सारी ब्रिड्स आती है, कावेरी, सोनाली, डिपी क्रॉस, ओरिजिनल गाउटी, ठीक है, सुवर्णधारा, ग्राम प्रिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रिड्स आती है। अगर मुझे अंडे फार्मिंग के लिए मुर्गियाँ पालनी तो उसमें भी बहुत सारी ब्रिड्स आती है। सफ़ेद अंडे के लिए मैं स्काईलार्क पालूँ या फिर वेंकी की VV300 मुर्गी पालूँ, या फिर अगर आप देसी मुर्गियों के अंडे का प्रोडक्शन लेना चाहते हो तो RAR मुर्गी अवेलेबल है, ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गी अवेलेबल है, ग्राम प्रिया मुर्गी अवेलेबल है। तो इस तरीके की बहुत सारी मुर्गियाँ अवेलेबल्स होती है, ठीक है। तो ऐसे में मीट पर्पज़ में आप जाना चाहते हो तो कौन सी ब्रिड्स पालना चाहिए। अगर अंडा फार्मिंग करना चाहते हो उसमें फिर पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सफ़ेद अंडे का प्रोडक्शन लेना है या फिर आपको देसी मुर्गियों का कलर अंडों का प्रोडक्शन लेना है। उसके बाद आपको और एक डिसीजन लेना पड़ता है कि इनमें बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल होती है, अभी मुझे कौन से ब्रिड का चुनाव करना पड़ेगा जो मुझे कम समय में अच्छा खासा मुनाफा देगी। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और नए नए वीडियोज़ पोल्ट्री क्रिएट बनाने में हमें मोटिवेटेड करते रहता है। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों, कौन से ब्रिड की फार्मिंग करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों, कोई ब्रिड आपको फ़ायदा नहीं देगी जब तक आपके एरिया में उस ब्रिड का मार्केट ना हो। या दोस्तों, मान के चलिए अगर आप VV300 के 1000-2000 के लेयर पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हो, लेकिन आप ऐसे कोई एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ पर सफ़ेद अंडे का उतना मार्केट नहीं है। यही बात लागू होती है देसी मुर्गियों के अंडों के लिए भी। आप ऐसे कोई एरिया में बिलोंग करते हो जहाँ पर आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो देसी मुर्गियों के कलर अंडों का, लेकिन आपके एरिया में अगर देसी अंडों का मार्केट नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आप मीट पर्पज़ में मान के चले WFG क्रॉलर ब्रिड को पालते हो, ठीक है। मानता हूँ उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, बहुत कम दाना खा के बहुत जल्दी वजन गेन कर लेती है, लेकिन ऐसे में भी आपने प्रोडक्शन करने के बाद अगर उस ब्रिड का आपके मार्केट में अगर उसको चलन नहीं होगा या फिर उठाव नहीं होगा, अगर वो ब्रिड चलती ही नहीं होगी आपके मार्केट में, तो किस तरीके से आप प्रॉफिट कमाओगे। सबसे पहले जिस भी एरिया में आप अपनी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो, ठीक है, उस एरिया में सबसे पहले जाइए, वहाँ पर उन एरिया के पोल्ट्री फार्मर्स में विजिट कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनको पहले पूछिए कि आप ये पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो तो इसमें कौन सी ब्रिड्स आप पाल रहे हो और ये ब्रिड पालने के पीछे उनकी मेन वजह क्या है, ठीक है। अगर उन्होंने जो भी वजह आपको बताया कि भैया नहीं, ये ब्रिड एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी कम है और साथ ही साथ मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ इसके बच्चे की मोर्टेलिटी कम होती है, ओवरऑल और से 3-4 बातें वो फार्मर आपको बताएगा। अगर वो बातें आपको जेन्युइनली अच्छी लगी और आपको सही में लगता है कि अगले वाले पर्सन ने एरिया वाइज मुझे सही जानकारी दी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पर आप उसी ब्रिड का चुनाव कर सकते हो जो अगले वाला पोल्ट्री फार्मर उस ब्रिड की फार्मिंग कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर मैं बोलता हूँ यूट्यूब वीडियोज़ पर कि दोस्तों आप RAR मुर्गी की फार्मिंग कीजिए, वो साल में आपको 240 से लेकर 250 अंडा दे देती है और साल भर में आप 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के 1000 मुर्गियाँ पाल के मुनाफा कमा सकते हो। हाँ दोस्तों, कमा सकते हो, लेकिन कब? जब जितना भी अंडा, मान के चले अगर 1000 मुर्गियाँ आप लेयर फार्मिंग के पर्पज़ पर RAR मुर्गी पालते हो, रोज़ के अगर आपको 600-700 अंडे मिलते हैं, लेकिन 600-700 अंडे आपके एरिया में बिकने तो चाहिए। तो यही बात होती है कि दोस्तों सबसे पहले आप चुनाव कीजिए कि आपके एरिया में कौन सी ब्रिड चलती है, क्या अंडा बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसके बाद ब्रिड को डिसाइड कीजिए। मोटा मोटी मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ ब्रिड्स लैंग्वेज में। अगर आप मीट पर्पज़ में जाना चाहते हो तो ब्रॉयलर की तो बात अलग ही हो गई, अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग में मीट पर्पज़ की फार्मिंग करना चाहते हो तो WFG क्रॉयलर बहुत ही बेस्ट ब्रीड है, लेकिन उसके लिए आपके एरिया में मार्केट अवेलेबल है या नहीं है एक बार वो चेकआउट कर लीजिए। अभी मीट पर्पज़ में देसी पोल्ट्री फार्मिंग में 3 नस्लें सबसे ज़्यादा पाली जाती है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो पहली तो बात होती है कावेरी, जिसको दूसरी लैंग्वेज में हम ओरिजिनल डीपी बोल सकते हैं, और दूसरी ब्रीड होती है डीपी क्रॉस, ठीक है। और उसके अलावा भारत के विभिन्न स्टेट्स में सोनाली नाम का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है, तो ये सोनाली नाम की ब्रिड्स भी आप पाल सकते हो, जिसका बहुत सारे जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, इन स्टेट्स में इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड है, तो आप इन ब्रिड्स को भी पाल सकते हो। स्टेट वाइज एक बार आप चेकआउट कर लीजिए कि क्या इस ब्रिड को आपके एरिया में, आपके स्टेट में कोई अलग नाम तो नहीं है।
पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9176114343 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए।